हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है। तो हम बेटा बात कर रहे थे सॉल्यूशन विलयन, जो चैप्टर चल रहा है हमारा, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर। और सॉल्यूशन के अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म्स की, और कैसे हम सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर इन टर्म्स को यूज करते हैं, और इसके साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चैप्टर है, वो जो चल रहा है, ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सरल सा चैप्टर है, आराम से हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आपको ध्यान से सॉल्व करने हैं बस। आप एक बार क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग गया तो ये समझ लो कि वो चैप्टर जो है वो आपके बढ़िया से क्लियर है। तो लास्ट हमने जो क्लास थी, लास्ट जो वीडियो था हमारा, वो कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें हम कर रहे थे वो कंप्लीट है। तो टर्म्स कंप्लीट होने के बाद हम अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और कुछ रिलेशन है जिनसे हम दोनों में रिलेशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट जो कॉलम था और सेकंड जो कॉलम था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इन टर्म्स में जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपन रिलेशन देखेंगे परसेंट मास मास एंड मोलैरिटी कैपिटल एम। तो मास मास और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले हमें ये पता है कि मास अपॉन मास जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है मास मास परसेंट। इसे इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। दूसरा है मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में वी सॉल्यूशन इन एम एल एंड 1000। ये थी मोलरिटी। और दूसरा, हम दोनों टर्म्स में जब रिलेशन की बात करते हैं तो हमें एक फैक्टर यूज करना पड़ता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी तीसरा फैक्टर है जिसे हम यूज करेंगे इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए। और डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन में वी। डेंसिटी सॉल्यूशन की दी जाएगी, तो यहाँ हम डेंसिटी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो भी सॉल्यूशन का होगा और मास जो है वो भी सॉल्यूशन का होगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन, ठीक है। इस फैक्टर को हम यूज करेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास मास परसेंट एंड मोलरिटी, ओके। तो यदि हम यहां से डेंसिटी फैक्टर में V सॉल्यूशन हमें लेना है, तो V सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W सॉल्यूशन अपॉन में D सॉल्यूशन, यानी कि V सॉल्यूशन इक्वल्स टू W सॉल्यूशन अपॉन में D सॉल्यूशन, ये आ जाएगा हमारे पास। और W सॉल्यूशन जो है वो है मास, जिसको हम यूज कर रहे थे परसेंट के अंदर। तो W परसेंट में जो है वो W सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में यूज कर रहे हैं अपन। तो W परसेंट में W जो सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम, ये यूज करेंगे अपन। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, M मोलरिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, यानी कि परसेंट में जो हम यूज करें डब्ल्यू बी, ये भी देखो मास ऑफ सॉल्यूट है, ये भी मास ऑफ सॉल्यूट है, और परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब ये होता है द वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन डब्ल्यू सॉल्यूशन हो गया, और डब्ल्यू बी जो है वो परसेंट है। तो यहाँ हम डब्ल्यू बी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। जैसे मान लेते हैं अपन ये कहें कि 20% W अपॉन W है, तो बेटा डब्ल्यू बी कितना हुआ, सॉल्यूट कितना हुआ, 20 ग्राम ही तो हुआ। तो डब्ल्यू बी जो है वो यही है, परसेंट W अपॉन W। तो ये आ जाएगा परसेंट W अपॉन W द मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000
अपॉन में एम बी इंटू में वी सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या है बेटा, डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन डी सॉल्यूशन। डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, यानी कि डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन में डी सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एम मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ओके, मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या हैगा इसमें एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू। सॉल्यूशन कितना है, 100 है क्योंकि परसेंट है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा बेटा 100, और डी सॉल्यूशन इसमें रहेगा, ओके, दो जीरो से दो जीरो कट कर दो, डी सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू में डी सॉल्यूशन इंटू में 10, ऊपर 10 बच गया, अपॉन में एम बी। ये है रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस रिलेशन को हम यूज करते हुए दोनों में क्या किया जाता है, इंटर कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इस रिलेशन से, समझ में आ गई ना बात। ये रिलेशन हमने कैसे निकाला है, परसेंट मास अपॉन मास का फॉर्मूला आपको आता है, मोलरिटी भी आपको आती है, भैया दोनों को रख दो, दोनों को इंटरचेंज करना है तो डेंसिटी फैक्टर यूज करना पड़ता है। तो डेंसिटी फैक्टर में हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमें वी सॉल्यूशन चाहिए, वी सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन डी सॉल्यूशन। डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या है, यही तो है डब्ल्यू सॉल्यूशन, और वो भी कितना है 100 पार्ट में, तो डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, परसेंट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन डी सॉल्यूशन। डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है, 100 है, 100 यहाँ पे रख देंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट कर दिया, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा बेटा, मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट मास अपॉन मास इंटू डी सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी, समझ में आ रही बात। और हमें यदि मास परसेंट निकालना है, मोलरिटी दी हुई है तो मास परसेंट बाहर आ जाएगा और मोलरिटी अंदर आ जाएगी। चलो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 20% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ग्लूकोज सॉल्यूशन फाइंड इट्स मोलारिटी। तो इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है हमें, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या रिलेशन यूज करना है, अभी जो हमने निकाला है वो मोलारिटी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डी सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन में एम बी। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है यहाँ पर 1.24 ग्राम पर एमल, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी दी हुई है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू कितना है इंटू में डी सॉल्यूशन डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट कितना है इसका 20 है, इंटू डेंसिटी है 1.24 इंटू 10, और ग्लूकोज का मोलर वेट कितना होता है 180, जीरो से जीरो कट कर देते हैं, दो से 18 9 टाइम्स चला जाएगा, ये पॉइंट हटा लेते हैं तो 100 आ जाएगा, 100 में से 010 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास बची है 124 अपॉन 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये 124 जो है ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 124 अपॉन 9 इंटू में 10, चलिए फिर डिवाइड करते हैं इसको, 124 को 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके इसका आंसर निकालते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू ये चला जाएगा 1 टाइम्स 9 और 3 बच गए,
तीन और यहाँ पे चार हो गया 34, 34 ये हो गया 9, डिवाइड करेंगे 34 को, 3 टाइम्स आएगा 27, 27 और 34 तो 3 और 7, 7 और 0 70, एंड 9 से जाएगा 77 टाइम्स, 13.7 अप्रोक्सीमेट लेते हैं, अपॉन में 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो m आ जाएगा 1.37 मोलरिटी, ये इसकी मोलरिटी आएगी 1.37 मोलर पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये रिलेशन से हमने फाइंड किया है, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 2m NaOH solution whose density is 1.2 gram per ml, find the percent mass upon mass of NaOH। NaOH का परसेंट मास अपॉन मास हमें बताना है कि NaOH कितना परसेंट प्रेजेंट है, मोलरिटी दी हुई है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, मोलरिटी है यहाँ पे 2, परसेंट अपॉन W फाइंड करना है, डेंसिटी दी हुई है 1.2 इंटू 10 और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट NaOH का कितना होता है 40, तो परसेंट W इक्वल्स टू 2 इंटू 40 अपॉन में 1.2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये पॉइंट हटा लेते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 12 चला गया 6 टाइम्स, फिर 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स, अब ये जाएगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास 2 और 10 अपॉन में 3, यानी कि 20/3, तो 20/3 आंसर आएगा इसका 6.66%, ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस टाइप से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करना, बुक के अंदर एक्सरसाइज दे रखी है, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है। बाकी जो रिलेशन है वो एक रिलेशन ही इम्पोर्टेंट था, बाकी के जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अपने सिलेबस में नहीं है, एक रिलेशन जरूर दे रखा है बुक के अंदर, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट मैक्सिमम डिसॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कोई भी सॉल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्विसाइट यानी जो पर्याप्त होता है, उस अमाउंट में सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिसॉल्व हो सकती है,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इस नेचर को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा अमाउंट उसमें डिजोल्व हो सके उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जिसकी अमाउंट कम डिजोल्व होती है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। तो इससे हम सॉल्युबिलिटी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा डिजोल्व होगा, ठीक है। अब हम सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड सॉल्यूशंस की पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम तीन टाइप के सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला होता है इसमें सॉलिड इन लिक्विड, ये पहला सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा है गैस इन लिक्विड, और तीसरा टाइप का सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन में हम सॉल्युबिलिटी की जो बात है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें जो फैक्टर्स यूज होते हैं, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तीसरा फैक्टर हम देखते हैं इसमें प्रेशर, चौथा फैक्टर हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो तीनों की हमें सॉल्युबिलिटी डिस्कस करनी है, सॉलिड की लिक्विड में, गैस की लिक्विड में, और लिक्विड इन लिक्विड। तो ये टर्म होती है सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सा फैक्टर कैसे इसमें सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी को चेंज करता है, ठीक है। तो तीनों टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम इसके फैक्टर की बात करेंगे, इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हम सॉल्युबिलिटी जो टर्म है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है उन एक्सरसाइज को सोल्व करना है, इंटेक्स क्वेश्चन जो दिए हुए उन इंटेक्स क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, ठीक है।